दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आज आपको दिखाऊंगा कि आप किस तरह से जियो में कॉल फॉरवर्डिंग का डाइवर्ट लगा सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो भी मैं नई वीडियोस अपलोड करता रहूँगा उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। चलो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों अगर आप अपने जियो सिम की कॉलर्स को किसी और नंबर पर फॉरवर्ड करना चाहते हो तो दोस्तों उसके लिए पहले आपको डायल पैड पर जाना होगा। डायल पैड में जाने के बाद फिर आपको यहाँ पर एक नंबर लिख देना है। तो दोस्तों वो नंबर है *401* और आपको उसका नंबर यहाँ पर लिख देना है जिस पर आप अपनी जियो की कॉल्स को फॉरवर्ड करना चाहते हो। नंबर लिख देने के बाद फिर आपको अपने जियो सिम से इस नंबर पर कॉल कर देनी है। अब आपके नंबर के लिए बिना शर्त कॉल फॉरवर्डिंग सक्रिय है। अनकंडीशनल कॉल फॉरवर्डिंग इज नाउ एक्टिव ऑन योर नंबर। तो दोस्तों इस तरह से आप अपने जियो सिम में कॉल फॉरवर्डिंग का डाइवर्ट एक्टिवेट कर सकते हो। तो दोस्तों अब आपको मैं दिखाऊंगा कि आप किस तरह से इस डाइवर्ट को डीएक्टिवेट कर सकते हो। तो दोस्तों उसके लिए आपको *402 लिख देना है और इस नंबर पर आपको कॉल कर देनी है अगर आप डीएक्टिवेट करना चाहते हो कॉल डाइवर्ट को। आपके नंबर के बिना शर्त कॉल फॉरवर्डिंग निष्क्रिय कर दिया गया है। आपके नंबर के लिए बिना शर्त कॉल फॉरवर्डिंग निष्क्रिय कर दिया गया है। अनकंडीशनल कॉल फॉरवर्डिंग हैज बीन डीएक्टिवेटेड ऑन योर नंबर। तो दोस्तों इस तरह से आप कॉल डाइवर्ट को डीएक्टिवेट भी कर सकते हो। तो दोस्तों अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।